What is the output of given examples? इस केस में जस्ट मैंने क्रिएट क्या किया फार पॉइंटर एच पी, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था सारे के सारे वेरिएबल्स और मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुए इन द फॉर्म ऑफ रेसिडेंस मेमोरी। रेसिडेंस मेमोरी का साइज क्या था जस्ट 1 MB स्पेस प्लस इस रेसिडेंस मेमोरी के अंदर जस्ट 16 इक्वल सेगमेंट्स क्रिएट हुए थे। देन फाइनली कोई वेरिएबल क्रिएट का होता है इन द फॉर्म ऑफ 8 सेगमेंट और वी कैन से डेटा सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल्स दिस इज द रेसिडेंस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। देन इस केस में कंसीडर करूं दिस इज द 7th सेगमेंट 8th सेगमेंट और 9th सेगमेंट लाइक दैट। दिस इज द 7th 8th सेगमेंट एंड 9th सेगमेंट। सभी सेगमेंट के अंदर फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा 0, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या रहा होगा समथिंग 1। अगर हेक्सा डेसिमल के अकॉर्डिंग बात करें तो लास्ट बाइट का एड्रेस क्या रहेगा 65535। हेक्सा डेसिमल फॉर्म में इसको कंसीडर करेंगे एज एफ एफ एफ। इसके जस्ट प्रीवियस बाइट क्या रहा होगा एग्जैक्टली एफ एफ एंड ई लाइक दैट एंड सो ऑन। जस्ट इस प्लेस से सेगमेंट चेंज हुआ तो नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है जस्ट 0, दिस इज द 8th सेगमेंट। देन अगेन नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है 1। तो फाइनली इस केस में अगेन लास्ट बाइट का एड्रेस क्या रहेगा एफ 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 4 times F। प्रीवियस बाइट डैश एफ 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 ई एंड सो ऑन। सेम अगेन 9th सेगमेंट के केस में फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है 0, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है 1 एंड सो ऑन। फाइनली इस केस में सिंपली पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है जब पी, पी के केस में मैनुअली एड्रेस क्या असाइन किया है सेगमेंट एड्रेस है 8। तो फाइनली पी किस सेगमेंट में क्रिएट होगा 8th सेगमेंट। ठीक है ना, 8th सेगमेंट के अंदर इसको ऑफसेट एड्रेस क्या पास किया है 3 times FE मीन्स दिस लोकेशन। इस लोकेशन का नेम के मीन्स पी के अंदर एड्रेस किसका है इस लोकेशन का। पी करेंटली पॉइंट किसको कर रहा है इस पी का टाइप क्या है सबसे पहले फार पॉइंटर। फार पॉइंटर तो इसका साइज क्या रहेगा टोटल 4 bytes 2 bytes 4 सेगमेंट एड्रेस 2 bytes 4 बाइट एड्रेस। तो फाइनली फर्स्ट प्लेस पर क्या आसान हो जाएगा 0008। ऑफसेट पार्ट में क्या आसान होता है एफ 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 ई प्लस इस पॉइंटर का टाइप क्या कैरेक्टर पॉइंटर। तो जब भी आप इंक्रीमेंट परफॉर्म कराओ इंक्रीमेंट कितने से हुआ ऑलवेज 1 फर्स्ट 1। तो करेंटली पी किस लोकेशन को पॉइंट करा दैट प्लेस, इस लोकेशन का नेम क्या हुआ समथिंग स्टार पी। क्लियर। नेक्स्ट वन फर्स्ट केस में जस्ट फार पॉइंटर का एड्रेस डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करते हैं परसेंट कैपिटल एफ पी। फर्स्ट केस में जस्ट डिस्प्ले के पास क्या किया सिंपली पी, पी के रिस्पेक्ट में जब पी डिस्प्ले कराओ तो पी के अंदर करंटली कंटेंट्स क्या स्टोर है चेक कर सकते हो। मीन्स इस केस में परसेंट एफ पी के थ्रू दोनों ही एड्रेस डिस्प्ले होंगे सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट एड्रेस। फाइनली फर्स्ट केस में फर्स्ट परसेंट एफ के अकॉर्डिंग का डिस्प्ले हो जाए परसेंट एफ पी के अकॉर्डिंग का डिस्प्ले हो जाए पी के प्लेस पर पी के कंटेंट्स। पी के अंदर क्या है 0008 कॉलन देन एफ 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 ई। क्लियर। नेक्स्ट केस में सेकेंड केस में एडिशन कितने से कराया 1 से। जस्ट इस लोकेशन के एड्रेस में 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो पी किस लोकेशन पर पॉइंट करे जस्ट नेक्स्ट लोकेशन। तो इंक्रीमेंट 1 के अकॉर्डिंग इस लोकेशन को कंसीडर कर सकते हैं स्टार पी प्लस 1। क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले हो जाएगा अगेन ऑप्शन अभी सेगमेंट क्या है 8 देन 0008 कॉलन। ऑफसेट पार्ट क्या डिस्प्ले होगा इस केस में 4 times F। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था फार पॉइंटर में जब भी इंक्रीमेंट कराओ फार पॉइंटर के थ्रू ओनली करेंट सेगमेंट एक्सेस करना पॉसिबल, नेक्स्ट सेगमेंट में जंप करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल। मीन्स इस केस में जब भी इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट ओनली ऑफसेट पार्ट में पॉसिबल नॉट अ सेगमेंट एड्रेस। नेक्स्ट टाइम 2 से इंक्रीमेंट कराया तो 2 से इंक्रीमेंट होगा तो उस केस में जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा नेक्स्ट लोकेशन। लेकिन नेक्स्ट लोकेशन में अगर आप पॉइंट कराओ तो नहीं इस केस में सेगमेंट कौन सा सेगमेंट चेंज हो रहा है इस केस में कभी सेगमेंट चेंज होता है क्या नहीं। तो इस केस में जस्ट इंक्रीमेंट कराओ तो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस क्या मिलेगा 0। क्लियर। लेकिन ऑफसेट क्या रहेगा सेम है ऑफसेट तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा 0008 कॉलन 0000 इज द रिजल्ट ऑफ गिवन केस।